राम राम, नमस्कार। कैसे? एकदम बढ़िया। ईडी के मीनू मसी आ गई, बढ़िया वाला सिलसिले के लिए से बता दे। आजकल कुंडली भाग्य की बड़ी बात होती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आया है नया सीरियल, उसका नाम है कुंडली मिलन। प्रोमो देखकर तो लग रहा है बड़ा ही जबरदस्त होगा, तो हम सोचे कि लाओ भैया अंकित बाटला को बुला लें और पूछे कि भैया कहानी में का ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। स्वागत करते हैं अंकित आपका सासु और बेटिया में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? आपको वापस से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे मौसी। हम तो बढ़िया है, आपको टीवी स्क्रीन पे फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शकों को भी और हमको भी। बधाई हो। जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जानना चाहेंगे ये कुंडली मिलन की ऐसी कहानी क्या है कैसे? देखिए, प्रोमो से तो हमें कुछ कुछ मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे सामाजिक जो कुरीति अति बहुत पहले कहीं उससे मिलता जुलता है, फिर अचानक लगता है कि नहीं, कुछ अलग कहानी होगी। फिर सोचते हैं कि लो भैया आप ऐसे पूछ ले कि कहानी क्या होगी और आपका किरदार क्या होगा। बहुत अच्छा कि आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, इसमें मैं यश का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। यश जो है वो लंदन से 5 साल बाद पढ़ के आए हैं, और वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपनी होने वाली धर्म पत्नी से, जिनका नाम है रिचा, जिन्हें आपने प्रोमो में भी देखा होगा। लेकिन अब बस शादी की डेट फिक्स होती ही है, होने वाली ही है, तो पता चलता है कि यश की कुंडली में दोष है। और दोष ये है कि 90 दिन में जो भी लड़की उससे शादी करेगी वो मर जाएंगी। सो बहुत बड़ा दोष है ये उसके साथ। तो अब सारा बात ये है कि अच्छा, अब शादी करें तो कैसे करें, क्योंकि हम रिचा से तो यश बहुत प्यार करता है, और अगर वो शादी कर लेता है और उसको कुछ हो जाता है, तो हम कैसे इस पे कैसे होगा। सो अब दो लड़कियां हैं शो में, अंजलि है और रिचा है। अंजलि जो है वो बहुत ही प्यारी सी मथुरा की है, जो संस्कारी है, बहुत ही चुलबुली और बहुत ही प्यारी सी है, जो अडॉप्टेड है, जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में पता चलता है। और वो रिचा के साथ रह रहे हैं, उसके मम्मी पापा ने उसको पाला है। रिचा जो है वो थोड़ी सी, ऑफ कोर्स अपने घर पे है तो थोड़ी ज्यादा नटखट है, थोड़ी सी तो एटीट्यूड है और वैसा है। सो अब देखना ये है कि शादी होती है तो किससे होती है, और हो जाती है तो उसके बाद 90 दिन बाद कौन मरता है या कौन नहीं मरता है, और होता क्या है। देखिए एक बात बोले, 90 दिन सुनते के साथ ही हमें शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया, तुम्हारे पास होंगे वो कितने मिनट, जी लो उस जिंदगी को। तो अभी हमें लगता है आप ही की जिंदगी में ये सूट कर रहा है, आपकी गर्ल मतलब आपकी होने वाली दीदी के पास है 90 मिनट, है ना? उस 90 मिनट में क्या क्या करेंगे? अच्छा, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यश आपका किरदार जानना चाहेंगे, आप बाहर से पढ़कर किरदार है उसका अंदाज कैसा रहेगा? लाइक कहते हैं ना थोड़ा सा नटखट होगा या एकदम बिजनेसमैन टाइप का, कैसा हो? ही इज अ यंग बॉय जो कि पढ़ाई करके आया है। हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो मिठाइयों का और कपड़ों का एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है मथुरा में। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, मेरे आंटी चाची की, मेरे इसमें फर्स्ट सीन जो है वो हमने शर्टलेस शूट किया है, यमुना जी से बाहर अच्छा आते हुए। और ये मेरा अभी तक के टीवी करियर का सबसे पहला शर्टलेस सीन है जो हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में कल रिवील किया है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानती हैं कि स्क्रीन पर दिखने के लिए फिर पानी भी छोड़ना पड़ता है और खाना भी छोड़ना पड़ता है कुछ दिन के लिए। सो बिल्कुल। दैट समथिंग विच आई हैव रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैरेक्टर। लेकिन जो यश का कैरेक्टर है वो बहुत ही फैमिली लविंग कैरेक्टर है। उसको अपनी दादी से बहुत प्यार है, छोटी दादी से, और वो कुछ भी चीज करनी होती है या बात करनी होती है अपनी छोटी दादी से करता है। एंड हमारी बहुत ही बड़ी और खुश फैमिली है। मेरी बड़ी दादी है, बड़े दादू हैं, छोटी दादी है, मम्मी पापा, साथ में मामा मामी है जो हमारे घर में रहते हैं, मेरी बहन और जीजा जी हैं वो भी घर में रहते हैं, एक मेड सर्वेंट है जिनका नाम है पल्लो। सो काफी बड़ा एंट्रेज ऑफ फैमिली है इस शो में। अरे वाह, देखिए मानना पड़ेगा ऐसा सीरियल में ही हो सकता है, रियल लाइफ में भैया मतलब परिवार सबके अलग ही अलग होते हैं। मामा मामी के साथ ही है, ठीक है, मामी के साथ अपने घर में, लेकिन यहाँ सीरियल की दुनिया में क्या होता है ना, एक ही परिवार में सब के सब आ जाते हैं। अच्छा, वैसे कहानी जैसे आपने बताया शर्टलेस सीन के बारे में, अच्छा इस सीन को फिल्माते वक्त आपने कैसे, देखिए यमुना नदी दिखाई गई है तो जाहिर सी बात है वहीं पर शूटिंग वगैरह हुई भी होगी, अच्छी मतलब कहते हैं दर्शन करने को मिल गए आपको, तो वो जो सीन फिल्माया गया है उसकी कुछ यादें ताजा करना चाहेंगे? ये हमने मुझे इन्होंने आई थिंक 10 दिन पहले बताया कि हम शर्टलेस सीन करने वाले हैं, और तब से ही ऑब्वियसली मैंने अपना कार्ब्स और ये और वो सब छोड़ दिया। और 2 दिन पहले से हम लोगों ने पानी पीना छोड़ा मैंने, क्योंकि यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे। तो जब एक्चुअली में वो सीन आया और मुझे बोला गया कि डुबकी लगा के बाहर आओ,
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसी बहाने जैसा कि आपने कहा कि यमुना जी के डुबकी में, मतलब वो कहते हैं ना, पाप भी धुल गए साथ में, और साथ में शूट भी हो गया। और बट सिर्फ यही है कि मैं लोगों से कहूंगा कि नदियों में गंदगी मत फेंको, क्योंकि मैं ओरिजिनली मतलब पूरा घुस के अंदर से निकला हूं, तो मुझे एक्चुअली में पता है कि उस नदी में क्या क्या लोगों ने डाला हुआ है। सो जब से मैंने ये सीन किया, मैं हर इंसान को यही तुझे बोलता हूँ पता कि होगा। हाँ, मतलब कि अच्छा मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि नदियों में गंदगी मत फेंको, क्योंकि बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र नदियां हैं, उनपे ऐसा जुर्म मत करो कि ये सब फेंक के। बट फिर उसके बाद जब एक बार सीन हो गया, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा था लिटरली कि मैं बेहोश होकर शायद गिर जाऊंगा, बिकॉज पानी नहीं पिया था कुछ दिनों से। एंड जैसे ही सीन हुआ, तो सर ने मेरे लिए लस्सी मंगाई, एकदम बोला अब तू लस्सी पिएगा मथुरा की फेमस। तो दैट्स द मेमोरी ऑफ द सीन। अरे वाह। अच्छा कहानी की बात, रुक करते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी जो बताई जाएगी इसमें 90 दिन, देखिए कहीं ना कहीं जिस से तो पता चल गया है कि जो 90 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही अप्लाई होंगे, बाकी शादी आपकी बेमन की जिसके साथ होगी उसके ऊपर तो कतई नहीं अप्लाई होंगे। क्यों? अब ये तो देखना पड़ेगा यार सीरियल में, क्योंकि शादी तो ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि कुंडली मिलन है, तो जब तक दो कुंडलियां नहीं मिलेंगी, दो जिंदगियां नहीं मिलेंगी, तो कैसे होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है हमारे शो में, जितने भी रिश्ते हैं वो आज जो दिख रहे हैं, आज से शायद 1 महीने बाद उनमें से वो रिश्ते सब बदल जाएंगे। चाहे वो मेरा रिश्ता मेरी माँ के साथ हो, या फिर ऋचा के साथ हो, या अंजलि के साथ हो, वो सारे रिश्ते और उनके मायने बदल जाएंगे। इस शो में हर एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो आप फर्स्ट एपिसोड में ही हमने इतना अरे बड़ा वाह। ट्विस्ट है, विच इज 90 दिन, और किसी का मरण होना 90 दिन में, तो बहुत ही ड्रामेटिक एपिसोड्स हैं सारे। और फॉर्मेट यह है कि हमारे सारे सीन्स बहुत छोटे छोटे हैं, ताकि कोई भी सीन बहुत ज्यादा लंबा अरे ड्रैग ना वाह, लगे। ये जरूरी था कैसे? देखिए आज का सीरियल की दुनिया में ना एक ही सीन को इतना लंबा खींच दिया जाता है कि इंसान भी परेशान हो जाते हैं कि बस भैया बहुत हो गया, चलिए अच्छा है छोटे छोटे सीन होंगे जल्दी जल्दी होंगे। अच्छा लेकिन कुंडली की बात करें, देखिए जैसे कहानी बताई जा रही है कुंडली मिलन, रियल लाइफ में अंकित से जानना चाहेंगे, कुंडली पर कितना विश्वास है आपको? अंकित और यश दोनों ही कुंडली में बिलीव नहीं करते थे, और स्पेशली कुंडली दोष में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में भी, जो यश के साथ भी आप देखेंगे कैरेक्टर को होते हुए, तो उन्हें विश्वास करना पड़ जाता है। सो मेरे हिसाब से एज अंकित, कुंडली या फिर कोई भी चीज ऐसी जो है जिसमें प्रिडिक्शन हो, इट कैन बी अ गाइडेंस फोर्स फॉर यू, बट अंधविश्वास करना शायद सही नहीं। अरे वाह, ये तो बात आपने एकदम सही कही। अच्छा और किरदार के बारे में बात करें, देखिए जब भी कोई किरदार आता है अंकित के पास, तो ये बताइए जब इस कहानी का भी किरदार आया यश का, तो उस समय देखिए चूजी तो हर कोई होता है, अपने करियर के बारे में सोचता है कि ये किरदार लेंगे तो कितना ऊंचा जाएगा कितना नहीं जाएगा, कैसा हम कर पाए कैसे नहीं। तो अंकित आपसे जानना चाहेंगे जब ये किरदार आया तो आपने अपने दिमाग में उसका क्या ग्राफ बनाया उस किरदार का, और फिर हाँ बोली तो कुछ संकोच या कहते ना हिचकिचाहट मन में थी कि हाँ तो बोल दिया है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ? तो जब मैंने ये शो का ऑडिशन दिया था, तब मैंने सिर्फ ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऑडिशंस और मॉक शूट्स होते रहते हैं, तो वो रोजमर्रा की तरह मैंने बिल्कुल दे के आगे बढ़ गया था, और मैं भूल गया था। जब ये लोग वापस मेरे पास 1 महीने बाद आए, तो मुझे लगा यार देखते हैं, क्योंकि पता नहीं, वही जैसा आपने कहा कि आप वैल्यू कर रहे होते हो, इवेल्युएट कर रहे होते हो कि ये करेंगे ये करें। लेकिन फिर मेरी अरविंद सर से मीटिंग हुई, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। व्हेन आई मेट हिम, उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी का नरेशन दिया, तो सुनते सुनते कुछ जगह पे मैं बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था, और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां मेरे एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए। तो मुझे लगा यार एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कैरेक्टर से। और शिमारू क्योंकि नया चैनल है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द होल टीम के शिमारू उमंग बहुत अच्छे से इस शो को प्रमोट कर रहा है, और बहुत बिल्कुल अच्छी जगह जगह तक पहुंचा रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। शिमारू के लिए भी बहुत अलग शो है ये, और ऐसा ऑडियंस ने नहीं देखा होगा पहले। द ग्रैंडियर ऑफ द शो अगर आप देखें, जैसे आप प्रोमोज देख रहे हैं, हर कोई देख के कह रहा है तो संजय लीला भंसाली का प्रोमो लग रहा है। सो सब कुछ हमने बिल्कुल बहुत ही लार्जर देन लाइफ करने की कोशिश की है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये शो साइन किया। अरे वाह, मतलब दर्शक आपको नए किरदार में देख पाएंगे। एक और चीज जानना चाहेंगे, देखिए चैनल्स की बात करें तो आजकल जैसे हम अपनी बात करें या किसी प्रोफेशनल की बात करें तो कोई भी इंसान नौकरी वही करना चाहेगा जहां ऊंचा लेवल हो या फिर ऊंचा नाम हो, है? लेकिन अब जैसे कलर्स, आप कलर्स में काम कर चुके हैं ठीक है, लेकिन कलर्स के नाम सबकी जुबान पर है, स्टार प्लस का नाम सबकी जुबान पर है, जी टीवी, मतलब जो बड़े बड़े नाम है वो सबकी जुबान पर है,
लेकिन शिमारो लोग ध्यान देते नहीं है, हालांकि शिमारो के सीरियल बड़े बढ़िया बढ़िया आते हैं। तो आपके पास जब आया कि सीरियल में आपको करना है, ये सीरियल शिमारो उमंग में आएगा, तो एक होता है ना, देखिए हम अपनी बात करें तो हम, नहीं भाई ये छोटी कंपनी में नहीं जाएंगे या ऐसे में नहीं जाएंगे, इसको जानता कौन है, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी या आपके फील्ड में भी ऐसा कुछ होता है बिल्कुल कलाकारों के बिल्कुल साथ? फील्ड से बिल्कुल होता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जितने बड़े नाम से जुड़े हैं उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अरविंद सर इज द मेजर रीजन जो मैं ये शो कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी जो है हमारे शो की वो हीरो है। तो अगर स्टोरी अच्छी है और डायरेक्शन अच्छी है तो कोई भी चीज बहुत खूबसूरती से निकल के बाहर आएगी। और जैसा कि मैंने कहा, शिमारू उमंग हो सकता है बिल्कुल नया चैनल, लेकिन जिस तरह से इन्होंने हमारे शो को प्रमोट किया है, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ शिमारू उमंग के वजह से, और इतने सारे प्रमोशन, इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैनल सून। बिल्कुल, देखिए अभी तो हम यही कहेंगे कि शिमारो उमंग के सीरियल बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, बस तैयारी कर लीजिए, ये नया सीरियल और आ रहा है कुंडली मिलन, जो देखिए किस किस को मिलाएगा और किस किस को हटाएगा, क्यों सही कही कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहे हैं। एक और चीज, आखिरी बात, देखिए अंकित, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, नेगेटिव कैरेक्टर भी होता है, और हमें लगता है आपने दोनों ही टाइप के किरदारों का स्वाद चख लिया है, आपको मजा सबसे ज्यादा किस में आता है? ऑनेस्टली एक्टिंग करने के लिए तो नेगेटिव में बहुत ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं होती। आप कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल्स कर सकते हैं और किसी को भी कुछ कह सकते हैं। सो देर इज नो लिमिट ऑफ अ कैरेक्टर। लेकिन जब आप पॉजिटिव कैरेक्टर करते हो तो आपका एक दायरा होता है जिसमें आप रहकर उस कैरेक्टर को प्ले करते हो, कि अगर आप हर बार दादी को देख रहे हो तो उनके पैर छूने जरूरी है, या आप अगर फादर से बात कर रहे हैं तो जैसे इसमें इस शो में आप देखेंगे कि मेरे फादर मुझे बहुत जोर से एक मुंह पे चाटा मारते हैं, जो कि इतने बड़े लड़के को फादर का मारना बहुत अजीब सी बात है, लेकिन वो आंख नीचे करके ही बोलता है कि आपने मुझे मार तो लिया लेकिन ऐसा। तो वो एक थोड़ा सा दायरा बन जाता है, लेकिन एज एन एक्टर हम यहाँ पर एंटरटेन करने आए हैं, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू गिव यू ऑल कलर्स। अरे वाह, बढ़िया है, ये शिमारो उमंग में सारे रंग देखने को मिलेंगे। बाकी जाते जाते आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अंकित, नए किरदार में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत टाइम बाद मैं एक सोलो लीड शो कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें प्यार दें जिस तरह आपने दूसरे शोज में मुझे प्यार दिया है। शिमारू उमंग पे 7:30 बजे मंडे टू सैटरडे हमारा शो आता है, जिसका नाम है कुंडली मिलन। सो आप उसे देखें और यश, ऋचा और अंजलि को बहुत सारा प्यार दें। बिल्कुल, हमें लगता है कि अगले 2 हफ्ते बाद हम आपसे, अंजलि से और ऋचा, तीनों जन से फिर से बात करेंगे, क्यों सही जी कही कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सो नाइस टू मीट यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात करके बाकी बहुत मजा आया। थैंक यू। बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, साहब अगर बेटिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे भी कि मीनू मस्त रोज आते हैं, बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू लेकर आज जा रही है और देख रही है कि कुंडली मिलन में आज क्या आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।